मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है।